हर आदमी एक दौड़ में होता है, और मैंने भी 25 साल से मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा था, और उन्होंने मुझे नहीं, मुझे इन लोगों की सपोर्ट चाहिए ना, मुझे यहाँ किसी लीडर की जरूरत है। बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं जो लोगों को बताने के लिए कि यहाँ ये काम हुए, ये लोग दिखाएंगे कि क्या काम हुए। हॉस्पिटल है नारायणा, इसमें हमें छूट मिले, लोकल होने के नाते लोगों ने जमीनें दी अपनी 10,000-15,000 रुपये कनाल में, हम इसके लिए लड़े, मुझे भरपूर प्यार मिलेगा लोगों का। मैं मेरे लोग जो बैठे हुए हैं जिस रास्ते पे मुझे ये ले जाएंगे, मैं उसी रास्ते पे जाऊंगा, किसी लीडर के कहने पे नहीं जाऊंगा। मुझे बनाने वाले जो हैं, 36 साल रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे लीडर थे वो मेरे ख्याल में 30 साल से होंगे, मैं उनसे भी पहले कांग्रेस में था। वो इसीलिए हटाया गया कि मैं ग्रास रूट के लोगों की आवाज़ उठाता हूँ, शाहूकारों के कर्जे के नीचे नहीं आता हूँ। आप लोगों का शुक्रिया जो आप लोग यहाँ आए, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया पैंथर ब्लॉक के जो लोग हैं यहाँ वो आए हैं। और जैसे आप सारी जगह आपने देखा होगा पोस्टरों में लिखा होता है बोर्ड एंड स्पोर्ट, यहाँ बोर्ड वाले लोग भी काफ़ी आए हैं और स्पोर्ट वाले लोग भी काफ़ी मेरे साथ यहाँ आए हुए हैं। तो काम जितने भी यहाँ रुके हुए हैं, जहाँ जो भी काम है, जो मेरे लायक जो भी काम होंगे डिस्ट्रिक्ट जो DDC के काउंसिल के लिए जो भी यहाँ काम होंगे, वो सारे काम, कोई ऐसा काम नहीं हो जो मैं इन लोगों का नहीं करूँगा। और ये नहीं है कि मैं ये बन के कुछ करूँगा, लेकिन मेरे में इतनी शक्ति मुझे माता रानी ने दी है और इन लोगों ने दी है, मैं ऐसे भी करता हूँ। और लेकिन मुझे जब ये और ज़्यादा लोग पावर देंगे तो मैं और ज़्यादा इनके लोगों के काम करूँगा। टिकट जो है सोनू ठाकुर को दी जा रही है, ऐसे क्या कमी रहेगी आपके अंदर की कांग्रेस की टिकट जो है वो आपको नहीं मिली? देखिए ये तो जनता दिखाएगी। ये आपने देखा होगा, मैं एक पंच हूँ पुराना द्रूट गांव से, और मैं यहाँ पैंथल ब्लॉक में, मैं पैंथल वालों का बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, पैंथल ब्लॉक के लोगों का, जिन लोगों ने मुझे ये इस काम के लिए चुना है। और मुझे रही आपकी, आपने बोला कि जो टिकट के लिए हर आदमी एक दौड़ में होता है, और मैंने भी 25 साल से मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा था, और उन्होंने मुझे नहीं टिकट दी, और मैं हाई कमान तक गया, और यहाँ के लीडर मेरी एक DDC की टिकट के लिए दिल्ली तक उन्होंने अप्रोच लगाई, और आपके मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा आज लास्ट डेट है कैंडिडेटों की, आज कांग्रेस के कैंडिडेट ने फॉर्म भरा। आपने इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मेरे में कितनी, एक पंच में कितनी पावर है, कि अभी तक हाई कमान जो कांग्रेस की है टिकट डिसाइड करने में उन्होंने इतना टाइम लगाया। और मुझे जितना भी पैंथर ब्लॉक के लोग हैं, मुझे इन लोगों की सपोर्ट चाहिए ना, मुझे यहाँ किसी लीडर की जरूरत है ना, मुझे किसी, आपने देखा होगा यहाँ बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं जो लोगों को बताने के लिए कि यहाँ ये काम हुए, ये लोग दिखाएंगे कि क्या काम हुए। मैं आपको कुछ नहीं दिखाऊंगा कि मैं ये कर सकता हूँ, जो लोग ये मुझे बोलेंगे मैं वो इनके लोगों के काम करूंगा। और ये लोग मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये सोनू ठाकुर कर सकता है काम, नहीं कर सकता है। और मैं आपको क्लियर बता दूं, जितने भी यहाँ कैंडिडेट खड़े हैं, आप एक कैंडिडेट को मेरे सामने कहीं जहाँ बैठाएं और इन कैंडिडेटों को पूछें DDC का मतलब क्या है, उन लोगों को DDC पैंथल अपनी पंचायत को नहीं वो चला सकते, और 10 पंचायतों को चलाना कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ वो लोग तो एक तहसीलदार और एक पटवारी का नंबर नहीं उनको पता होगा, तो वो यहाँ लोगों के क्या काम करेंगे। मैं पैंथल वासियों से, पैंथल ब्लॉक के लोगों को ये पूरा यकीन दिलाना चाहता हूँ, अगर मुझे आप ये सेवा का मौका देते हो तो मैं आपके कोई भी ऐसे काम वो नहीं, जो काम आपके रुके हैं वो पूरे करवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। पूरी उम्मीद करता हूँ, मुझे भरपूर प्यार मिलेगा लोगों का, पूरी सपोर्ट मिलेगी इसमें। जो लोकल मुद्दे हैं हमारे, हम मैं जीत कर आता हूँ, मैं तो बड़े इंटरनेशनल लेवल तो मैं बात कर नहीं सकता, जो लोकल मुद्दे हैं उसको हम उठाएंगे। बेरोजगारी की उठाएंगे कि BJP के शासनकाल में इतनी बेरोजगारी हो गई है कि हमारे इंजीनियर ऐसे लोग बहुत बेरोजगारी इतनी बढ़ी है, और हम ये भी चाहेंगे हमारी SMBD यूनिवर्सिटी है इसमें रिजर्वेशन मिले, अगर हमारा जो हॉस्पिटल है नारायणा इसमें हमें छूट मिले, लोकल होने के नाते लोगों ने जमीनें दी अपनी 10,000-15,000 रुपये कनाल में, हम इसके लिए लड़ेंगे। कि एक आप गांव में आए हैं, मीडिया वाले, मैं बल्कि सबसे पहले आपका आभारी हूँ कि आपने सोचा कि गाँव वालों के लोगों का भी मीडिया पर आने का टाइम दिया जाए, मैं आपका इसलिए आभारी हूँ। इसके बाद मैंने जो आई पेपर अपने फाइल किए हैं, मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पेपर फाइल किए हैं, मैं ग्रास रूट से आया हूं और ग्रास रूट पे जाऊंगा, ग्रास रूट पे छोटे से छोटे लोगों का काम मैं करूंगा।
इसके लिए मैंने पहले भी काम किए हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं 2 टेन्योर सरपंच हूँ, दूसरी बार और पंच भी रहा हूँ। मैं ग्रास रूट पे गरीब लोगों के, पसमानदा लोगों के, उनके लोगों के लिए मेहनत करूँगा। मुझे अपना कोई शौक नहीं है अपना घर बनाने का या कुछ बनाने का, मुझे कोई शौक नहीं है। अगर गरीबों को काम हो जाए, गरीब लोगों का काम बन जाए, तो आप मेरा रिकॉर्ड देख सकते हैं पंचायत में, जाए मैंने क्या काम किए हैं। आप इससे पहले कांग्रेस के साथ चलते थे और कांग्रेस के टेन्योर में जो आपने काम भी किए हैं, फिर ऐसा क्या कारण रहा कि कांग्रेस की तरफ से आपको सीट नहीं दे रहा? जी, कांग्रेस 30 साल रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे लीडर थे वो मेरे ख्याल में 30 साल से हो गए, मैं उनसे भी पहले कांग्रेस में था। तो कांग्रेस ने आज मेरे को क्या दिखाया, मेरा कोई इल्ज़ाम, मेरे ऊपर कोई चार्ज, मैंने कोई पार्टी एक्टिविटी एंटी एक्टिविटीज की हो? मैं मेरे को इसीलिए हटाया गया कि मैं ग्रास रूट के लोगों की आवाज़ उठाता हूँ, शाहूकारों के कर्जे के नीचे नहीं आता हूँ, इसीलिए मुझे आज पीछे दिखाया गया है। और मैं तन मन से अपने गाँव वासियों की, जो पंचायत लेवल पर लोग हैं, मैं इनकी सेवा कभी नहीं चाहूँगा। मैं, मेरे लोग जो बैठे हुए हैं, जिस रास्ते पे मुझे ये ले जाएंगे, मैं उसी रास्ते पे जाऊँगा, किसी लीडर के कहने पे नहीं जाऊँगा। मुझे बनाने वाले जो हैं, मैं इनके साथ जाऊँगा। केवल कृष्ण जी, केवल कृष्ण जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भारत माता की जय, भारत माता की जय।